राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक मास अमावस्या 2023। अधिक मास अमावस्या कब है? इस दिन करें ये सात उपाय, टल जाएगा बुरा समय। अधिक मास की अमावस्या 16 अगस्त को है। यह अमावस्या हर 3 साल के बाद आती है। दरअसल हर 3 साल में एक बार अधिक मास लगता है और इस 30 दिन की अवधि में पड़ने वाली अमावस्या को अधिक मास की अमावस्या कहते हैं। इस साल 16 अगस्त दिन बुधवार को यह अमावस्या मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन कुछ दुर्लभ उपाय करने से आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं और आपका बुरा समय टल जाएगा। आइए जानते हैं कौन से हैं ये खास उपाय और इनके लाभ। नंबर 1, ईशान कोण में जलाएं घी का दीपक। अधिक मास की अमावस्या पर ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। इस दीपक को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जलाकर रखें। ईशान कोण को देव स्थान कहते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान को रोशन करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और देवतागण आपसे प्रसन्न होते हैं। इस दीपक में 2 लौंग और थोड़ी सी केसर भी डाल दें। नंबर 2, गाय की करें सेवा। अधिक मास की अमावस्या पर गाय की सेवा करने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय को आटे की लोई में गुड़ डालकर खिलाएं और साथ ही हरा चारा भी डालें। गाय की सेवा मातृ सेवा के समान मानी जाती है। अमावस्या के दिन किसी भी पशु को भूलकर भी ना मारें। नंबर 3, पितरों के नाम से दान। अमावस्या की तिथि पर पितरों के नाम से दान करने से वे आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर हमारे पूर्वज हमारे आसपास वायु के रूप में मौजूद रहते हैं और हमें देखकर प्रसन्न होते हैं। इस दिन उनकी पसंदीदा मिठाई, फल और वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा में काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए। इससे पूर्वजों का मार्ग रोशन होता है। नंबर 4, पीपल के पेड़ का उपाय। कहा जाता है कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाकर परिक्रमा करें। नंबर 5, नमक का पोंछा लगवाएं। वास्तु शास्त्र में नमक का महत्व बहुत खास माना गया है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन पानी में नमक डालकर पूरे घर में पोंछा लगवाने से घर से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और आपके घर में खुशहाली बढ़ती है। पोंछा लगवाने के बाद इस पानी को घर के बाहर फेंक दें। इससे आपके घर नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। नंबर 6, आर्थिक संकट दूर करने का उपाय। अगर आप पिछले काफ़ी समय से आर्थिक संकट के दौरान से गुजर रहे हैं और काफ़ी उपप्रयास करने के बाद भी धन से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं, तो अधिक मास की अमावस्या पर तुलसी की माला से 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। आपकी धन संबंधी समस्या का शीघ्र समाधान निकलेगा और आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। नंबर 7, शिवलिंग पर चढ़ाएं एक खास चीज, धन वैभव की होगी प्राप्ति। पुराण के अनुसार अधिक मास की अमावस्या की तिथि को शिवलिंग पर एक फूल चढ़ाने से देवी देवता के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अधिक मास की अमावस्या समाप्त होने के साथ श्रावण मास आरंभ होने का संयोग बन रहा है। दोनों तिथि एक साथ होने से काफ़ी शुभ माना जा रहा है। शिव पुराण के अनुसार श्रावण महीने में भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर निवास करते हैं। इस दिन इस मास में पूजा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। 16 अगस्त अमावस्या को चढ़ाएं ये खास चीज़। 16 अगस्त यानी अधिक मास अमावस्या तिथि के दिन शिवजी और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए शिवलिंग में एक लोटे जल के साथ एक पीले कनेर का फूल अवश्य चढ़ाएं। पीला कनेर भगवान शिव को अति प्रिय है। कनेर का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से धन वैभव की बढ़ोतरी होती है।
इसके साथ ही दरिद्रता का नाश होता है। इसके साथ ही घर में सुख सौभाग्य शांति बनी रहती है। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।